हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव मीनाक्षी। मैं मीनाक्षी और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको गोपाल जी के लिए पोशाक बनाना सिखाऊंगी। इसे बनाने के लिए आपको 3 कलर की ऊन, करोशिया, इन सब की ज़रूरत होगी। कलर कॉम्बिनेशन आप अपनी इच्छानुसार कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। ये पोशाक बनाना बहुत आसान है और बहुत ईजी वे में मैं आपको इसे बनाना सिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये पोशाक बनाना सीखना चाहते हैं तो बने रहें मेरे साथ वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं ये ब्यूटीफुल पोशाक बनाना। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पोशाक को बनाने के लिए मैंने 4 नंबर के कान्हा जी की चोली पहले से ही बनाकर रखी है। चोली बनाना मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में बता रखा है, उनमें से किसी एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को चेक कर लें और चोली बनाना सीख लें। अब हमें क्या करना है, घेरा बनाना स्टार्ट करना है। तो घेरा बनाने के लिए हम स्टार्टिंग में 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद अपने वर्क को टर्न करेंगे और ये देखिए, यहाँ पर इस चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। तो ये एक चेन में 2 डबल क्रोशिया काउंट होंगे, एक ये हमारी 3 की चेन है और दूसरा हमने ये डबल क्रोशिया बनाया है। अब हम हर चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हर चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों साइडों को आपस में इस तरीके से जॉइंट करना है। तो ये जो हमने स्टार्टिंग में 3 की चेन बनाई थी, इसकी 3rd चेन में हम इस तरीके से क्रोशिया हुक डालेंगे, एक फंदा बनाएंगे और इस तरीके से फंदे को इसमें से निकाल लेंगे। तो ये स्लिप स्टिच हो गई है। अब हमें क्या करना है, अपने वर्क को इस तरीके से टर्न कर लेना है और यहाँ पर 3 चेन बनानी है, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। अब नेक्स्ट में एक बार बनाना है। तो ये इस तरीके से मैंने 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं, एक डबल क्रोशिया हमारी ये 3 की चेन काउंट होगी और एक दो डबल क्रोशिया अलग से बनाए हैं। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब नेक्स्ट चेन में हमें फ्रंट स्टिच करना है। किस तरीके से करना है ये देखिए, इसके बराबर वाला जो ये डबल क्रोशिया है, इसके पीछे से हम इस तरह से क्रोशिया निकालेंगे और ऐसे धागा लेंगे, इस तरह से एक फंदा बना लेंगे, थोड़ा लंबा बनाएंगे। अब 3 का 2 करेंगे और 2 का 1 कर देंगे, इस तरीके से एक ये बन गया। और ऐसे ही एक इसके बराबर वाले में बनाना है। तो इस तरह से 2 डबल फ्रंट स्टिच करने हैं हमें। तो ये देखिए, 3 डबल क्रोशिया और 2 फ्रंट स्टिच। इसी तरीके से हमें नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट में एक बार बनाना है और नेक्स्ट में एक बार बनाना है। तो ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम यहाँ पर फ्रंट स्टिच करेंगे, इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे, फंदा लेंगे, 3 का 2 और 2 का 1। नेक्स्ट में भी इसी तरीके से करना है, ये देखिए इस तरीके से। तो इसी तरीके से करते हुए हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं, फिर बताते हैं आगे क्या करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने ये राउंड कंप्लीट कर दिया है। अब हम अपने वर्क के लास्ट में आ गए हैं और यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे।
ये देखिए इस तरीके से। अब हम फिर से यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन। तीन चेन बनाने के बाद यहाँ पर हमने तीन डबल क्रोशिया बनाए थे, अब हम यहाँ पर चार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक हमारा ये हो गया, एक जस्ट इसके बराबर में बना लेंगे, ये दो और ये तीन। और ये चार। तो इस तरह से ये चार डबल क्रोशिया हो गए। फिर से हम यहाँ पर फ्रंट स्टिच करेंगे, इस तरीके से क्रोशिया डालेंगे, फंदा लेंगे, तीन का दो और दो का एक। फिर से यहाँ पर हमें फ्रंट स्टिच करना है, ये देखिए इस तरीके से ये हो गया। अब हमने नेक्स्ट तीन डबल क्रोशिया बनाए थे, तो यहाँ पर भी हम चार डबल क्रोशिया बना लेंगे। नेक्स्ट चेन में बनाएंगे एक और ये दो ये तीन और एक और डबल क्रोशिया हम यहीं पर इसी चेन में बना लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे इंक्रीज होने शुरू हो गए हैं। और नेक्स्ट में हमें फ्रंट स्टिच करना है, तो ये देखिए इसी तरीके से हमें ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लेना है। चलिए कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आगे क्या करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फिर से तीन चेन बनानी है, एक दो और ये तीन। तीन चेन बनाने के बाद अब हम जहाँ पर हमने चार बनाए थे वहाँ पर पांच बनाएंगे, तो एक इसी चेन में बना लेंगे। तो ये देखिए ये दो हो गए और ये तीन। चार और ये पांच। तो इस तरीके से पहले हमने तीन बनाए, फिर दूसरी रो में चार बनाए और अब तीसरी रो में हमने पांच बना लिए। और यहाँ पर फिर से फ्रंट स्टिच करना है। ये देखिए इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे। तो इसी तरीके से करते हुए ये राउंड भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं, फिर बताते हैं आगे क्या करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम ग्रीन कलर का धागा लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ये ग्रीन कलर का धागा इसमें अटैच कर दिया है और ये पिंक कलर का धागा मैं इसमें से कट कर दूंगी। पहले हम यहाँ पर एक नॉट लगा देते हैं जिससे कि धागा निकलने का डर नहीं रहेगा। तो ये फंदा बड़ा करके छोड़ेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ये धागा इसमें अटैच कर दिया है। अब हमें क्या करना है, एक चेन बनानी है। और
और एक चेन बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी चेन में एक बार और बना लेंगे। ये देखिए दो डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर हम दो चेन बनाएंगे, एक दो, और दो चेन बनाने के बाद इसी चेन में दो बार डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो ये हो गया एक, और ये दो। ये देखिए इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, दो डबल क्रोशिया स्किप करने हैं, एक दो, और इस चेन में बिल्कुल सेम इसी तरीके से बनाना है। एक दो और फिर दो चेन, एक दो, और फिर से इसी चेन में दो बार डबल क्रोशिया। तो ये एक और ये दो। ये देखिए इस तरीके से। अब फिर से दो डबल क्रोशिया स्किप करके तीसरे में हमें बनाना है। तो इसी तरीके से करते हुए राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से करते हुए हम अपने वर्क के लास्ट में आ गए हैं, और हमारी ये दो डबल क्रोशिया रह गए हैं जिस तरीके से हमने हर राउंड में किया है। अब हम इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे जो हमने स्टार्टिंग में चेन बनाई थी। ये यहाँ पर अटैच करने के बाद अब हम इसमें से ग्रीन कलर का धागा कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये डिज़ाइन बन गया है। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर ऑरेंज कलर का धागा अटैच करेंगे। तो हमें यहाँ पर अटैच करना है ये जो हमने चेन बनाई थी इसमें। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये धागा अटैच कर लिया। अब हम यहाँ पर एक फंदा बनाएंगे इस तरीके से, और तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन। तीन चेन बनाने के बाद यहीं पर हमें वर्क करना है। तो ये देखिए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, तीन, टोटल ये चार हो चुके हैं क्योंकि एक डबल क्रोशिया ये तीन की चेन भी काउंट होगी। एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात। तो ये सात डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। अब हम इस फंदे के धागे को बड़ा करेंगे और क्रोशिया को यहाँ ये जो चेन बनाई थी इसकी थर्ड चेन में डालेंगे।
तरीके से लूप लेंगे, ये धागा छोटा कर लेंगे और इसके बीच से निकाल देंगे। तो इस तरह से ये एक फ्लावर बन जाएगा। यहीं पर हमें एक चेन बना देनी है, ये देखिए इस तरीके से। अब दो चेन बनाएंगे, एक दो। दो चेन बनाने के बाद बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमें नेक्स्ट में वर्क करना है। तो एक दो तीन चार, इस तरह से टोटल 7 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लेंगे हम। चलिए बना लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 7 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हाँ अपने क्रोशिया को, और ये मैंने धागा भी बड़ा कर लिया है। अब हाँ अपने क्रोशिया को स्टार्टिंग वाली चेन में डालेंगे, जो स्टार्टिंग का डबल क्रोशिया है उसकी चेन में। यहाँ पर इस तरीके से इस फंदे को क्रोशिया में लेंगे, धागा छोटा करेंगे और यहाँ से इस तरीके से निकाल लेंगे, एक चेन बनाएंगे इस तरीके से। तो ये देखिए इस तरह से ये छोटे छोटे फ्लावर बनते चले जाएंगे। सभी जगह पर हमें इसी तरीके से कर लेना है। चलिए कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आगे क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से करते हुए हम वर्क के लास्ट में आ गए हैं और यहाँ पर मैंने चेन भी बना ली है। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर अटैच कर देना है। ये देखिए, ये जो हमने फ्लावर बनाया है इसकी बैक साइड में हमें इसको अटैच करना है। इस तरीके से, और एक चेन बनाकर ये धागा कट कर देना है। तो ये देखिए, ये धागा कट करने के बाद मैंने यहाँ पर ये पिंक कलर का धागा फिर से अटैच कर लिया है। अब हम इससे वर्क करेंगे और इन दोनों धागों को नीचे की साइड दबा देंगे, जिससे कि ये दिखेंगे नहीं। तो यहाँ पर लूप बनाएंगे इस तरीके से, और लूप बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे। तो इस तरह से ये धागा इसमें अटैच हो गया अच्छे से। अब हम यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन। तीन चेन बनाने के बाद इसी होल में डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो तीन, चार, ये देखिए 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, और इस चेन को यहाँ पर इस तरीके से बंद कर देंगे। और फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, और ये 4। तो ये देखिए इस तरीके से ये एक पत्ती बन गई है। अब हम इसको यहाँ पर इसकी बैक साइड में अटैच कर देंगे।
इसी तरीके से यहाँ पर बनाएंगे। तो तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन। तीन चेन बनाने के बाद यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे, तो ये दो हो गए। तीन और ये चार, चार करने के बाद तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, और इसको यहाँ पर फर्स्ट चेन में अटैच कर देंगे। इस तरीके से फिर से चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन और ये चार। ये देखिए, अब इसको फिर से यहीं पर अटैच कर देंगे इसके बैक साइड में। तो इसी तरीके से हम पूरे राउंड में ये पत्ती बनाते जाएंगे और ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आगे क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी बाउंड्री कर दी है। इस तरह से ये पोशाक बनकर तैयार हो गई है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये पोशाक और मेरे सिखाने का तरीका कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद आए और आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आगे भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग एंड कीप स्माइलिंग।